मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या यह समय ठीक है? बोलो, क्या बात है? तुम्हारे ज्यादा टैबलेट यूज करने, मोबाइल यूज करने और टीवी देखने के बारे में ही है, जिसकी वजह से तुम्हारा बाहर खेलना भी कम हो गया है। पर मम्मी, मेरे पास और कुछ करने को भी तो नहीं है। हाँ, पर तुम्हें पता है कि मुझे यह सब कैसा लगता है? आप तो यही चाहती है ना कि मैं कम टीवी देखूं, कम मोबाइल यूज करूं और कम टैबलेट का इस्तेमाल करूं। हाँ बेटा, वो बात तो है ही, पर मुझे तुम्हारी चिंता होती है। तो चिंता मत करो ना। मैं भी सोचती हूँ कि चिंता नहीं करूं, पर फिर भी चिंता होती है, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम तुम्हारी आंखों के लिए और तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर के लिए बहुत हानिकारक है, और हम साथ में टाइम भी नहीं गुजार पाते। क्यों ना हम साथ में मिलकर कुछ सोचते हैं, शायद कोई उपाय मिल जाए जो तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए अच्छा हो। देखते हैं। चलो बैठते हैं, हाँ, तुम उपाय बताना शुरू करो और मैं लिख लेती हूँ। मम्मी, मैं जब स्कूल से घर आता हूँ ना, तो आधा घंटा मेरा फेवरेट प्रोग्राम आ रहा होता है। मैं उसे देखने के बाद टीवी बंद कर दूंगा। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ। स्कूल से आने के बाद आधा घंटा टीवी देखना। दूसरा कुछ? मुझे नहीं पता। और टैबलेट का यूज डेली 30 मिनट करना। क्या सिर्फ 30 मिनट? तुम्हें कम लग रहा है? चलो मैं एक बार लिख लेती हूँ। मम्मी, मैं संडे को 2 घंटे टेबलेट इस्तेमाल करने वाला हूं। ठीक है, मैं एक बार लिख लेती हूँ कि संडे को 2 घंटे टैबलेट का यूज करना और तुम्हें 2 घंटे ग्राउंड में खेलने जाना। मम्मी, मेरे कोई भी फ्रेंड्स ग्राउंड में खेलने नहीं आते हैं। वो लोग सब टैबलेट पर ही गेम्स खेलते हैं और फिर मेरे को चिढ़ाते हैं, छोटा बच्चा छोटा बच्चा। ओह, तब तो तुम्हें बहुत निराशा होती होगी। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारे दोस्तों से इसके लिए बात करूं? नहीं, मैं ही कर लूंगा। चलो ठीक है, मैं लिख लेती हूं कि तुम्हें डेली 2 घंटे खेलने जाना और उसके लिए अपने दोस्तों से बात करना, डेली का टाइम टेबल बनाना और उसका पालन करना। पर मम्मी, मेरे पास फिर भी बहुत टाइम बचता है, मैं घर में बोर होता हूं। हाँ, मुझे लगता है कि तुम ड्राइंग में अच्छे हो, खाली समय में वो किया जा सकता है। हाँ, आइडिया बहुत अच्छा है, पर मेरे सारे कलर्स खत्म हो गए हैं। ठीक है, हम कलर बाजार से ले आएंगे। मैं लिख लेती हूँ, डेली ड्राइंग करना और उसके लिए बाजार से नए कलर लेकर आना। ठीक है, और रात को 9 बजे के बाद कोई भी मोबाइल टैबलेट का यूज नहीं करेगा और ना ही टीवी देखेगा। तो क्या इतनी जल्दी सोना होगा? नहीं, वो समय हम साथ में गुजारेंगे। नो टीवी, नो मोबाइल, नो वाईफाई। हम साथ में गेम खेलेंगे, हम साथ में बातें करेंगे, कैरम खेलेंगे, साथ में वॉकिंग करेंगे, स्टोरी सुनेंगे। वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा ना। हाँ, चलो मैं लिख लेती हूँ कि रात को 9 बजे के बाद कोई भी मोबाइल और टीवी का यूज नहीं करेगा। दूसरा कुछ? कुछ नहीं। चलो मैं देखती हूँ कि हम दोनों ने जो जो डिसाइड किया है वो पढ़ लेते हैं। हाँ स्कूल से आने के बाद आधा घंटा टीवी देखना, हाँ टैबलेट का यूज 30 मिनट करना। मम्मी, ये मुझे बहुत कम लगता है, क्या हम इसे 1 घंटा कर सकते हैं? चलो ठीक है, मैं इसे 45 मिनट कर देती हूँ, पर संडे को 2 घंटे टैबलेट यूज करना ये मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है। इसे मैं 1 घंटा 30 मिनट कर देती हूँ। ठीक है। शाम को 2 घंटे ग्राउंड में खेलने जाना और उसके लिए तुम्हें अपने दोस्तों से बात करना, वो मैं कर लूंगा। डेली ड्राइंग करना और उसके लिए नए कलर बाजार से लेकर आना, और रात को 9 बजे के बाद कोई भी टीवी मोबाइल और टैबलेट का यूज नहीं करेगा। ठीक है। पूरे दिन का टाइम टेबल बनाना और उसका पालन करना। मम्मी, टाइम टेबल प्रॉपर बनाने में मुझे आप मदद करोगी? हाँ, खुशी से।